बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने बनाई है स्टिक बोटी, बीफ स्टिक बोटी मैंने बनाई है। देख लीजिएगा कितनी अच्छी और यम्मी तैयार हुई है। ठीक है, तो आप इसको अपने घर में टी टाइम में बना सकते हैं, दावतों वगैरह में बना सकते हैं, या कोई स्पेशल ओकेजन हो तब आप बना सकते हैं। और इसकी कुकिंग टाइमिंग 1 घंटा होगी, बस आपके गोश्त गलने पर है कि जब आपका गोश्त गल जाए तो आपकी स्टिक बोटी जो है रेडी हो जाती है। और आलू और शिमला मिर्च का तो कोई मसला ही नहीं है, तो जल्दी कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स, पैन मैंने रख दिया है और ये है 1/2 किलो जितना मेरे पास है बीफ। इसको मैंने इस तरह बड़ी बड़ी बोटियों में काट लिया, यानी कि दरमियानी बोटियाँ हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाल देना है इसको, के बाद में इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून जितना। इसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी नमक 1 टीस्पून जितना। इसके बाद में मैं डाल दूंगी इसमें लाल कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून जितनी। आप अपने हिसाब से रखिएगा, आप जितने घर में खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से रखिएगा। यह है 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, यह है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून जितना, यह है जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना, यह है हरी मिर्चों का पेस्ट 7 अदद। मैंने हरी मिर्चें ले ली थी दरमियानी वाली, छोटी वाली नहीं क्योंकि वो तेज होती है। तो इसको मैंने पानी के साथ ब्लेंड किया है, तो मिक्सी के जार में ब्लेंड किया था, इस वजह से पानी ज्यादा है। आपको ज्यादा लग रही होंगी बट ये ज्यादा नहीं है, ये मैंने 7 अदद ली थी। और ये एक टमाटर है, इसकी स्किन मैंने रिमूव कर दी है, छिलका हटा दिया है और इस तरह काट के मैंने शामिल कर दिया इसमें। और अब देखिएगा कि ये 1 कप जितना मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी आपने अच्छा डालना है क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लेता है, तो इतना पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब एक बार इसको पहले मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने देते हैं। जब ये उबल जाएगा तो इसको फिर मैं दरमियानी आँच पर ढक के पका लूँगी जब तक गोश्त गल जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉईल आ चुका है, तो मैं इसको ढक के गोश्त गल जाने तक और पानी के ख़त्म हो जाने तक इसको पकाऊंगी बिल्कुल दरमियानी आंच में। देखिए शिमला मिर्च है 1 कप जितनी भर के मैंने इसको कट कर ली है, क्यूब्स में आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें नमक में हसबे ज़रूरत ये शामिल कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून जितनी समझ लिया आप हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि नमक और हल्दी अच्छे से शिमला मिर्च में लग जाए। चलिए देखिए, अब मैंने ये नमक और हल्दी इसमें लगा दी है, अब ये मैरिनेट होता रहेगा। देखिएगा व्यूअर्स, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका हुआ है और पानी भी खुश्क हो गया है। ये देखिए मसाला रह चुका हुआ है ना, बस सारा पानी हमने खुश्क करना, पानी नहीं बचाना। ये देखिएगा गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका हुआ है, सही है। अब हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। अच्छा, तो देखिएगा व्यूअर्स, गोश्त जो है वो मैंने ठंडा कर लिया है, बाउल में निकाल लिया है। ये 4 अदद आलू को मैंने इस तरह से क्यूब्स काट लिया था और उसको मैंने फ्राई कर लिया। ठीक है, आपने फुल डन कर लेना है क्योंकि बाद में जो फ्राई होगा अंडे के साथ तो उसमें अंदर आलू होंगे तो वो तो गलेंगे नहीं, तो आपने फुल फ्राई करना है, यानी कि ज़रा सी भी कसर नहीं रहने देनी है और फुल इसको फ्राई कर देना है। अब इसी मसाले के अंदर मैं ये आलू शामिल कर दूंगी। और ये शिमला मिर्च जो है मैंने आपको बताया था कि नमक हल्दी लगा के रखनी है, तो इसका एक्सेस पानी निकला होगा तो हम निकाल लेते हैं इस बर्तन में एक्सेस पानी। चलो सारा निकल गया। अब ये शिमला मिर्च जो है ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे शिमला मिर्च और आलू के अंदर भी जो है मसाला जो बोटियों वाला है वो लग जाए और एक ही जैसा फ्लेवर पूरी स्टिक में आए। तो देखिएगा व्यूअर्स, हमारे जो आलू और गोश्त और शिमला मिर्च है उसमें अच्छे से मसाला लग चुका है, मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको शाश्लिक स्टिक्स में डाल दूंगी। ये स्टिक्स आसानी से बाजार में मिल जाती है। सबसे पहले मैंने गोश्त डालना है, फिर इसमें आलू डालना है, देन इसमें शिमला मिर्च डालनी है हमने इस तरह, फिर हमने दोबारा से बोटी लेनी है, उसकी बोटी डालनी है, फिर आलू डालने हैं और फिर हमने एंड में शिमला मिर्च डाल देनी है। तो ये एक हमारी जो स्टिक है वो रेडी हो गई है। अब सारे स्टिक को मैं रेडी कर करके इसी तरह यहाँ पर रखती जाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, सारी स्टिक मैंने तैयार कर ली है
और अब 2 अदद अंडे मैंने ले लिए, इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी मैंने काली मिर्च डाल दी। और अब इसको मैं फेंट लूंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से फेंटना है आपने, बिल्कुल रफ सा नहीं फेंटना। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, अच्छे से मैंने अंडों को फेंट लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसमें थोड़े थोड़े इस तरह से झाग आने चाहिए, ठीक है, ये आप ज़्यादा फेंटेंगे तो ही आएंगे। देखिएगा व्यूअर्स, इस तरह लेके हमने एक स्टिक को उठाना है और इस तरह इसको फोल्ड करते जाना है। ये अच्छे से अंडे में जो है ना ये कोट हो जाएगी, ठीक हो गया, कोट हो गया। अब हमने इसको गरम तेल में डाल देना है, अब ये फ्राई हो जाएगी मज़े से। इसी तरह हमने दूसरी भी लेनी है और इसको भी फोल्ड करना है और तेल में डाल देना है। बिस्मिल्लाह, देखिए जिस जिसमें कलर आता जा रहा है उसको हम इस तरह से टर्न करते जाएंगे ताकि चारों तरफ से हमारा कलर जो है स्टिक पे अच्छे से आ जाए। गोल्डन फ्राई करना है हमने, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो देखिएगा व्यूअर्स, हमारी स्टिक्स पे जो स्टिक बोटी की जो स्टिक्स हैं उस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और जितनी भी स्टिक्स मैंने तैयार की है वो मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारी मज़ेदार सी स्टिक बोटी जो कि बन के बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। और व्यूअर्स, मुझे कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सी नई रेसिपी सीखनी है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो रेसिपी लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।